हमारी महफिल में पहुंच चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप हुए मेहमान को रंगे दामों पर अच्छा लगा, आप हुए मेहमान को रंगे दामों पर। सर सामने आज ये मौका है शहीद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑफिशियल्स के आप भी मार्टिस गैलरी में चले प्लीज सर। पेश करते हुए बारी बारी फूलों की माला अर्पण। खाबगा हम आराम की नींद सोते हैं और ये हम हमारे बीच प्रिंसिपल पीटीएस मैडम मनजीत कौर जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आईपीएस अधिकारी के रूप में क्रिकेट का प्रचार प्रसार। और ये परिया गेंद अपील जरूर की थी लेकिन अंपायर पर कोई असर। एक बार फिर अभिनंदन। और इस बार टूर्नामेंट के क्षेत्र में निकाला, हालांकि अपील की हालांकि सी गुजारिश जरूर करा हुई। बार सीधे बल्ले से खेल दिया मैदान के क्षेत्र में, एक रन आता हुआ खाता खोला समीर थे। और इस मैच का आपको देखा हाल टीवी पर सभी लोगों ने किया देखा था। ये समर अमीन ने स्कोरिंग क्षेत्र में निकाला एक रन के लिए। और इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, हालांकि पता है कि फील्डर पास में है, एक ही रन से अपने आप को। विषय हमारा सभी युवाओं के लिए कि आप अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाएं। अच्छे कार्य ये हुए कि आप पढ़ाई में, अपने खेल में, अपनी और अपने देश की तरक्की में अपना सहयोग दें और अपना समय जो उसका प्रोडक्टिव टाइम है, एक युवा में काफ़ी शक्ति और एनर्जी होती है, उसको सही दिशा में ले जाएं, ताकि न सिर्फ उनकी अपनी उन्नति हो बल्कि अपने देश की भी उन्नति हो। तो ये टूर्नामेंट हमारा एक एनुअल फीचर है कि हर वर्ष जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपने शहीद जो परिवार है उनको याद भी करते हैं, उनको अकीदत पेश करते हैं। और इसका आयोजन से एक संदेश भी हम देते हैं कि सभी लोग नशे की जो एक लत है,
नशे की जो आदत है उसको छोड़कर अच्छे कामों के लिए अपना समय लगाए। सर ये जैसे हमारे काफ़ी प्लेयर हैं जम्मू कश्मीर के, आईपीएल के लिए भेजने के लिए तैयारी के लिए थोड़ी कमी रह जाती है, तो क्या उसके लिए पुलिस को सपोर्ट करें? उसके लिए भी हम लोग और फर्दर कार्रवाई करेंगे जी। सर अभी सर्दी का मौसम है, जैसे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हैं हमारे इंटरनेशनल, अभी आज का वक्त तो आज का हमारा इनॉग्रेशन का फंक्शन है और आज का बड़ा खुशी का दिन है कि हमने अपना टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। यार साहब क्या देखते हैं कि बॉर्डर है, अगर पंजाब की बात करें तो नशा वहां से सभी मुद्दों पर इसमें कार्रवाई चल रही है और लगातार कार्रवाइयाँ होती रहेंगी ताकि हम इसको नशे मुक्त कर सकें। धन्यवाद।